हेलो एंड अज वेलकम टू इंग्लिश ऑन आई एम भारती टूडेज मिनी लेसन इज अबाउट द नेम्स ऑफ फिंगर्स इन इंग्लिश लेट्स लर्न द नेम्स ऑफ आर फिंगर्स इन इंग्लिश आज की वीडियो में हम अपनी उंगलियों के इंग्लिश में नाम जानेंगे प्लीज लुक एट दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन इन दिस पिक्चर यू कैन सी द फर्स्ट वन इज़ द थम्ब इस पिक्चर में जो पहले नंबर पर है ये अंगूठा है इसको इंग्लिश में थम्ब बोलते हैं द सेकेंड वन इज़ द इंडेक्स फिंगर और द पॉइंटर फिंगर ये जो दूसरे नंबर पर उंगली है इसको इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर या फिर पॉइंटर फिंगर बोलते हैं कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं द थर्ड वन इज़ द मिडल फिंगर इस पिक्चर में जो तीसरे नंबर पर उंगली है उसको हम इंग्लिश में मिडल फिंगर बोलते हैं द फोर्थ वन इज द रिंग फिंगर ये जो चौथे नंबर पर उंगली है इसको हम इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हैं पीपल यूजअली वेयर आ रिंग ऑन दिस फिंगर ज़्यादातर लोग इस वाली उंगली में अंगूठी पहनते हैं डू यू ऑल्सो वेयर योर रिंग ऑन दिस फिंगर क्या आप भी अपनी अंगूठी इसी वाली फिंगर में पहनते हैं द लास्ट फिंगर इज कॉल्ड द लिटिल फिंगर और द पिंकी फिंगर इस पिक्चर में ये जो पाँचवें नंबर पर उंगली है इसको लिटिल फिंगर या फिर पिंकी फिंगर बोला जाता है कुछ कुछ कंट्रीज में इसको बेबी फिंगर भी बोलते हैं वी कैन यूज दिस फिंगर टू मेक अ पिंकी प्रोमिस और अ पिंकी स्वेयर हम इस वाली फिंगर्स से पिंकी प्रोमिस या फिर पिंकी स्वेयर कर सकते हैं अब आप मुझसे पूछेंगे ये पिंकी प्रोमिस क्या होता है डू यू नो वॉट इज अ पिंकी प्रोमिस पिंकी प्रोमिस इज अ ट्रेडिशनल जेस्टर मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड अमंग चिल्ड्रेन इन्वॉल्विंग द लॉकिंग ऑफ पिंकीज ऑफ टू पीपल इट सिग्निफाइज दैट अ प्रॉमिस हैज बीन मेड दो लोग जब अपनी पिंकी फिंगर लॉक करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस होता है कि एक वादा किया गया है उस वादे को पिंकी प्रॉमिस कहते हैं ये एक तरह का जेस्चर होता है अब आप लोग मुझसे पूछेंगे ये जेस्चर क्या होता है जेस्चर होते हैं संकेत या फिर इशारे a gesture is a movement that you make with a part of your body especially with your hands हम अपने हाथों से जो इशारे करते हैं संकेत करते हैं to express any emotion or information that is known as a gesture हाथ से करने वाले इशारों को इंग्लिश में हैंड जेस्चर बोला जाता है इन दिस पिक्चर यू कैन सी थ्री हैंड जेस्चर्स आप इस पिक्चर में हाथ से करने वाले तीन इशारे देख सकते हैं द फर्स्ट वन इज द पिंकी प्रोमिस आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दो लोगों ने अपनी पिंकी फिंगर्स लॉक की हुई हैं दे आर मेकिंग अ पिंकी प्रोमिस मतलब ये दोनों लोग अपनी पिंकीज को लॉक करके कोई वादा कर रहे हैं एक दूसरे से द नेक्स्ट वन इज अ थम्स अप ये जो दूसरे नंबर पर पिक्चर है ये एक थम्स अप है वी कैन यूज दिस टू से ऑल द बेस्ट और गुड लक टू समवन। इसका यूज किसी को ऑल द बेस्ट या गुड लक कहने के लिए किया जाता है इस वाले इशारे का यूज इन द लास्ट पिक्चर यू कैन सी एन इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग एट समथिंग आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये इंडेक्स फिंगर किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रही है ये थ्री हैंड जेस्टर्स हम इस पिक्चर में देख सकते हैं आज की वीडियो में हमने सीखा अपनी उंगलियों के इंग्लिश में नाम और हैंड जेस्टर्स क्या होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर अ स्पोकन इंग्लिश क्लास एक्सपीरियंस थैंक यू